हेलो एवरीवन, एक बार और स्वागत है आपका हमारे चैनल एस के मैकेनिकल टेक में। आज के इस वीडियो में हम ऑरेंज पील बनाने का फार्मूला देखेंगे। अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। किसी भी पाइप के एंड को ऑरेंज पील बनाकर ब्लाइंड किया जा सकता है। पाइप के सीएफ को उतना ही सेंटर लाइन निकालें जितना आर्म बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्म बनाने के लिए ये जो देख रहे हैं, इसको पतले किसी मोटे पेपर या पतले जीआई शीट पर टेम्पलेट तैयार करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक ए बी लाइन, जो बेस लाइन है, ए बी लाइन एक ड्रा करेंगे, जो यहाँ पे देख रहे हैं, ए और बी एक लाइन खींचेंगे। और इसके सेंटर में जो के है, इसके वर्टिकल यानी कि इसके सेंटर में एक जी और के लाइन जो 90 डिग्री में, यहाँ पे एक हम ड्रा कर देंगे। और ए बी के समानांतर, जो ए बी के समानांतर क्या करेंगे, जो ए एच है, ये जो डिस्टेंस है, इसको तीन बराबर डिवाइड कर देंगे हिस्सों में। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ए हो गया, दो और ए तीन, और तीनों का डिस्टेंस जो है, जो एच है, 1/3 h, 1/3 h, और ये भी 1/3 h रहेगा जो एच का डिस्टेंस है। और यहाँ पे ए एम हो गया और एन और ए है ओ, इसका जो डिस्टेंस है, हम चार्ट से एम एन और ओ का जो डिस्टेंस है और एच का भी हम चार्ट से देख लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको चार्ट में मैं दिखा दूँ। जैसा कि आप यहाँ चार्ट पे देख सकते हैं, पाइप का साइज इंच में दिया हुआ है, नंबर ऑफ आर्म, आप कितना आर्म में बनाना चाहते हैं ऑरेंज पील, यहाँ पे दिया हुआ है, और मेजरमेंट इन इंच, जो भी मेजरमेंट है वो सब इंच में दिया हुआ है। इसका जो हाइट हो गया, एम एन और ओ, ये जो तीनों दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस हम चार्ट से प्राप्त करके टेम्पलेट बनाएंगे। अगर जो सपोज दैट कि हम 6 इंच का अगर जो आर्म पील बनाना चाहते हैं, तो इसके सामने ये देखिए नंबर ऑफ आर्म कितना है, 5, और जो एच का डिस्टेंस है यहाँ पे दिया हुआ है, एम का भी दिया हुआ है, एन, और यहाँ पे देखिए ये ओ का भी दिया हुआ है। जो एम एन और ओ का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस का हाफ करने के बाद से, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, इसका हाफ करेंगे यम का डिस्टेंस, और ये दोनों साइड में सेंटर लाइन से इधर और इधर ये मार्किंग करेंगे। सेम इसी प्रकार से यन का भी जो डिस्टेंस है यहाँ रखेंगे, और इसका ये हाफ इधर रखेंगे, ये दोनों का इधर ही करेंगे। और जो एच का ये जो डिस्टेंस है, एच इंटू 1/3 h करेंगे, जो डिस्टेंस आएगा यहाँ पे, जो ये पैरेलल लाइन खींचेंगे यहाँ पे, उसका हो जाएगा बारी बारी से। और इसके बाद से क्या करेंगे हम, ये जो जी दिख रहा है, और यहाँ पे ई से हम ऐसा एक लाइन खींचेंगे स्केल की सहायता से, और ई से सी और सी से ए को ऐसा हम मिला देंगे। सेम इसी प्रकार से इस साइड में भी हम ये लाइन ड्रा कर देंगे, और एक कैंची की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको कट करके निकाल लेंगे। ये निकालने के बाद से अगर जो हम 5 आर्म में बनाना बना रहे हैं, तो जो ये इसका डिस्टेंस है, यहाँ पे पाइप के एंड में मार्किंग करेंगे एक सर्कल लाइन, और ये इसका ये सर्कल लाइन और इसका सर्कल लाइन मैच करा के, ये जो टेम्पलेट है यहाँ पे, ये पाइप पे ऐसा मार्किंग करेंगे। ये जैसा मार्किंग किया हुआ है, जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन, और इस पे रख करके ये मार्किंग करेंगे। 5 आर्म में बना रहे हैं तो इसमें 5 जगह रख करके और इसका मार्किंग कर देंगे, और बाकी का ये जो कट लाइन है, और इसको कटिंग करेंगे, जो ये पीस कट करने पे के बाद से ये निकल जाएगा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। और जैसा हम रेड्यूसर बनाते हैं, उसी प्रकार टार्च के द्वारा हीट करके हल्का हल्का इसको बेंड करेंगे, बेंड करने के पास से आपको ऐसा हो जाएगा, और वेल्डिंग के द्वारा इसको, इसके गैप को भर देंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।